बात करते हैं मुरैना की, जहां 8 साल का मासूम अपने 2 साल के भाई की लाश गोद में लेकर बैठा है। सफेद कपड़े से ढकी लाश पर मक्खियां टूट रही हैं। बड़ा भाई मक्खियां उड़ाता है, फिर मदद की उम्मीद में इधर उधर नजरें दौड़ाता है। यह सब 1.5 घंटे तक चला। उसका दिल छोटे भाई की मौत से भारी है। गोद नन्ही लेकिन सबसे वजनी लाश से भारी है। यह मंजर जिसने देखा उसकी रूह कांप गई होगी। इस मंजर के पीछे की भी दर्दनाक कहानी है। बच्चों का पिता बेटे की माटी को अपनी गांव की माटी में मिलाने अम्बाह ले जाने के लिए एम्बुलेंस लेने भटकता रहा। पैसों से खाली हाथ था तो सिस्टम ने भी उसे खाली हाथ ही रखा। उसे एम्बुलेंस नहीं मिले। काफी देर बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस सब और उसके भाई को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गई। तब तक पिता नहीं लौटा था। 2 दिन पूर्व अम्बाह के बड़फरा निवासी पूजा राम जाटव के बेटे राजा की तबीयत खराब हो गई थी। उसने राजा को अम्बाह के सरकारी अस्पताल में दिखाया था। हालत ज्यादा खराब होने के चलते डॉक्टरों ने बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। पूजा राम अपने 8 साल के बेटे गुलशन के साथ राजा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा था। अम्बाह से लेकर आई एम्बुलेंस तत्काल लौट गई। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों का कहना है कि राजा को एनीमिया और पेट में पानी भरने की समस्या थी। बेटे राजा की लाश घर ले जाने के लिए पूजा राम को एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस के लिए उसे 1,500 रुपये की जरूरत थी, लेकिन इतने रुपये उसके पास नहीं थे। पूजा राम ने प्राइवेट और सरकारी एम्बुलेंस से मदद मांगी, गिड़गिड़ाया, लेकिन मदद नहीं मिली। पूजा राम बेटे राजा की लाश गुलशन की गोद में लेटाकर कुछ कम रेट की एम्बुलेंस तलाशने चला गया था। गुलशन यह सबसे भारी लाश लिए नेहरू पार्क के सामने सड़क किनारे नाले के पास बैठा रहा। पूजा राम ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से सबको गाँव ले जाने के लिए वाहन की बात कही तो यह कहकर मना कर दिया कि सब ले जाने के लिए अस्पताल में कोई वाहन नहीं है, बाहर से भाड़े की गाड़ी कर लो। सूचना मिलने पर कोतवाली टीआई योगेंद्र सिंह जादौन मौके पर पहुंचे। उन्होंने गुलशन की गोद से राजा का शव उठवाया, दोनों को जिला अस्पताल ले गए। वहां गुलशन का पिता पूजा राम भी आ गया था। उसके बाद एम्बुलेंस से सब को बड़फरा भिजवाया गया। पूजा राम ने बिलखते हुए बताया कि उसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी, जिनमें राजा सबसे छोटा था। उनकी पत्नी तुलसा 3 महीने पहले घर छोड़कर अपने मायके चली गई है। वह खुद ही बच्चों की देखभाल करता है और मजदूरी भी करता है।